नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल विनय स्टडी केंद्र में स्वागत करता हूं। यदि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान पेपर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा का फॉर्म लगभग एक वर्ष पहले भरा गया था और अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है और एग्ज़ाम बहुत जल्द होने की संभावना है, तो आप तैयारी में लग जाइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तक का शिक्षण निम्नलिखित में से किस एक उपागम पर बल देता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यदि सही जवाब आपको पता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक जीवन की स्थितियों से सीखना, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इससे समाज और उसकी पर्यावरण को समझ सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है, और इसका सही जवाब होगा विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों का अभ्यास का परीक्षण करना, ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, सही जवाब होगा भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, ऑप्शन ए सही होगा। पांचवा प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में से सहायक हो सकते हैं, सही जवाब होगा पर्यावरण एवं संसाधनों के बारे में ज्ञान को विकसित करना, ऑप्शन डी सही होगा। छठवां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावनाओं का विकास करना है, सही जवाब होगा राष्ट्रीयता की भावनाओं का, ऑप्शन ए सही होगा। सातवां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उसकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है, यह परिभाषा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ऑप्शन बी। आठवां प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए उपरोक्त सभी, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक विज्ञान का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, ये तीनों आवश्यक होना चाहिए, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। नौवां प्रश्न है, कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे, इसका सही जवाब होगा समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे, ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। दसवां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, ऑप्शन बी सही होगा। ग्यारहवां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान को बच्चों को खाली स्थान के साथ लैस करना चाहिए, सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से चिंतन करने की योग्यता, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। बारहवां प्रश्न है, समाज विद्वानों की नियामक मानदंड संबंधी आयाम निम्नलिखित आयामों में से किसे शामिल करते हैं, और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी समानता। तेरहवां प्रश्न है, खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित कारक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के आधार का निर्माण करते हैं, इसका सही जवाब होगा पाठ्य सामग्री पर सूचनाओं को स्थानांतरित करने, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चौदहवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा पद्धति होती है पुस्तक केंद्रित, बाल केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाल केंद्रित।
15वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का अर्थ है परिवार का अध्ययन, अवधारणाओं का अध्ययन, समाज का अध्ययन, उपरोक्तों में से कोई नहीं। तो सामाजिक विज्ञान में हम समाज का अध्ययन करते हैं, समाज में क्या गतिविधियां हो रही है उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। सामाजिक अध्ययन वह क्षेत्र है जो मूलभूत मूल्यों, वांछित आदतों, स्वीकृत व्यक्तियों तथा उन महत्वपूर्ण कुशलताओं के निर्माण के लिए आवश्यक है जिनको प्रभावशाली नागरिकता का आधार माना जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है एमपी माफत का, ऑप्शन बी सही होगा। 17वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य है ज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। सामाजिक अध्ययन में ज्ञानात्मक विकास का होना जरूरी है, भावनात्मक विकास का और सृजनात्मक विकास का। नए कार्य सृजन करने की क्षमता होनी चाहिए और ज्ञान तो होना ही आवश्यक है, उसके साथ भाव का भी होना आवश्यक है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 18वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कथन आपको पहचानना है, कथन को एक बार देखिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद सही जवाब आप दे सकते हैं। सही जवाब होगा, चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंधित है इसलिए उसकी खोज की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। ये बात गलत है, क्योंकि सभी जो है विज्ञान का एक भाग है। 19वां प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञात होनी चाहिए। ऑप्शन दिया है शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का, शिक्षक तकनीक का और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षण विधियों का, ऑप्शन भी सही होगा। 20वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में की जाती है कि बच्चे के विद्यालय जीवन का मेल, ऑप्शन दिया हुआ है किताबी ज्ञान से जुड़ा होना चाहिए, गलत है, शिक्षकों की अपेक्षाओं के साथ होना चाहिए, कक्षा के जीवन से होना चाहिए, बाहर की जीवन के साथ होनी चाहिए। तो इसमें सही जवाब देखें तो बाहर के जीवन के साथ होना चाहिए, ऑप्शन डी सही होगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।